27वां पारा है सूरह النجم आयत नंबर 43। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى صدق الله العظيم। आज की आयत मुबारक में अल्लाह जल्ल शानुहु अपना तारुफ करवाते हैं और ये बात साबित करवाते हैं कि जिस अल्लाह ने इंसान को पहली मर्तबा पैदा फरमाया तो वही अल्लाह इसको दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानु इस सूरत के अंदर बुनियादी मसले तौहीद भी बयान कर चुके, मसले रिसालत भी बयान कर चुके और मसले आखिरत भी बयान कर चुके। अल्लाह अपना तारुफ करवा के फरमाते हैं वअन्नहु हुवा अज़हक व अबका, इंसान को रुलाने वाला अल्लाह, इंसान को हंसाने वाला अल्लाह है। वही तो ज़ात है जो इंसान को हंसाता भी है और इंसान को रुलाता भी है। नेमतें देकर अल्लाह खुश भी कराता है और नेमतें चीन कर इंसान को उसकी आंखों से आंसू भी टपकाता है, उसी को रुलाता है और गम और परेशानी में मुब्तला करता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे फरमाया, काश तुम जान लेते वो जो मैं जानता हूँ तो तुम्हारा ये हंसना ख़त्म हो जाए। लज़ाहिक तुम कली, तुम बहुत थोड़े हंसो, वाला बकई तुम कसीरा, और तुम कसरत के साथ रोने लग जाओ। जो क़्यामत के अहवाल, जो आखिरत के अहवाल, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसने पूछा क्या हुजूर के सहाबा हंसते थे, फरमाया वो हंसते थे लेकिन उनके दिलों में ईमान पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत था। मतलब किया कि उनकी हंसी ऐसी नहीं होती कि वो गाफिल लोगों की तरह। इसलिए हंसना ये ममनू नहीं है, लेकिन ऐसी हंसी जो इंसान को गाफिल बना दे, सुबह शाम मुंह खुला रहता है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं, मौत के बाद की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं, कब्र की कोई फिक्र नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होने की कोई फिक्र नहीं, गाफिल बन के हंसना और हंसाना लोगों को। इसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हंस भी चुके हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला कह कहे नहीं लगा चुके हैं। इसलिए शरीयत का मिजाज ही नहीं कि बंदा हंसे नहीं, खुशी के मौका पर हंसने की इजाज़त है, लेकिन सुबह शाम ऐसी महाफिल और मजालिस कायम कर लेना कि बस हंसी ही हंसी है, रोना कोई नहीं है, इंसान को अपने आमाल की फिक्र कोई नहीं, अपने अंजाम से बेखबर हो के सुबह शाम जिंदगी गुजारना, ये मजमूम है शरीयत के यहाँ। वरना जिस मजलिस के अंदर दुनिया की बातें हैं तो वहाँ पर दुनिया की बात भी करें, जहाँ आखिरत की बात हो वहाँ आखिरत की बात करें। लेकिन हमने बेहतियाती ये कि हमसे निज़ाम अनबैलेंस हो गया, हम इफरात और तफरीत का शिकार हो चुके। अगर दुनिया में लगे बस दुनिया ही के पीछे लगा, आखिरत भूल जाए, और बाज़ लोग आखिरत को सामने रखते हैं तो फिर दुनिया के मामलात भी छोड़ लेते हैं। ऐसा भी नहीं है, एतदाल के साथ चलना, इसे फरमाया एतदाल आदि जिंदगी है। दुनिया वालों के साथ दुनिया में रहते हुए दुनिया के मामलात को चलाते हुए आखिरत की तैयारी करनी है। बहरहाल तो अल्लाह अपना तारुफ करवा के वही अल्लाह इंसान को वह हंसाता भी है, वही रुलाता भी है, वह अन्नहु हुवा अमाता व अहया, वही मौत तारी करता है, वही जिंदगी से नवाजता रहता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। दुनिया के अंदर अल्लाह दुनिया की ज़मीन की आबादकारी के लिए इंसान का इंतखाब कर चुके और इंसान की आबादी ये दुनिया के अंदर अल्लाह जल्ल शानहु ने इंसानों को आम करके दुनिया की आबादकारी का निज़ाम बनाया। लेकिन जो दुनिया में आता है वो यहाँ से चल के जाता है, वो मौत का जायका चखता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुछ चले जाते हैं और आ जाते हैं, ये निज़ाम चलता रहेगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। इसकी ज़िंदगी और मौत ये अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह मौत को पहले जिक्र करते हैं और ज़िंदगी को बाद में, क्योंकि जिंदा इंसान को समझाना है कि मौत तो तुम्हारी बाद में है, जिंदगी पहली है, लेकिन जिंदगी के किसी लम्हे में तू घर के अंदर बैठा है, बाजार के अंदर बैठा है,
ऑफिस में बैठा हुआ है, मस्जिद में बैठा हुआ है, कभी मौत से गाफिल होकर जिंदगी ना गुजारता। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह अपना तारुफ करवाते हैं जिसने जिंदगी और मौत को पैदा फरमाया। तो मौत को पहले जिक्र कर, यहां पर भी अमाता व अहया, जो मौत तारी करता है और जिंदगी देता है, ताकि जिंदा इंसान अपनी मौत को 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रखे। इसलिए हुजूर ने फरमाया मूतु क़ब्ल अन तमूतु, मौत से पहले पहले मर जाओ, अपनी ख्वाहिशात को दबा डालो। इसे फरमाया जिंदगी के अंदर अक्सरु जिक्र हाज़िम लज़्ज़ात, दुनिया के अंदर इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है जब इंसान अपने नफ्स के ऊपर मेहनत नहीं करता है। तो लज्जतों को तोड़ने वाली चीज, हुजूर ने फरमाया मौत को कसरत के साथ याद कर लिया करो। जैसे हम दुनिया के अंदर देखते हैं ना, हम साफ कपड़े पहन लेते हैं, हम बॉडी वॉश कर लेते हैं और क्रीम और पाउडर लगा लेते हैं और फेस वॉश से अपने साफ करते अपने आप को, लेकिन जब बाहर रोड पे निकलते हैं तो गर्द गुबार डस्ट आता है, हमारे चेहरे भी गंदे हो जाते हैं, हमारे बदन भी गंदे हो जाते हैं, हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते। दोबारा हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं, साबुन से साफ करते, अपने बालों को शैम्पू से साफ करते हैं, अच्छे सर्फ के साथ अपने कपड़े साफ करते हैं, फिर इस्त्री कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम घर से निकलते हैं, अगर बंदा अपने आप को गुनाहों से महफूज रखता है तो बाहर मोहल्ले के अंदर, बाहर बाजार के अंदर, मुआशरे में गुनाहों का डस्ट चलता रहता है। और ये जो गुनाहों का डस्ट है, ये इंसान के कपड़ों और बदन पर नहीं लगता, ये इंसान के दिल पर लगता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह लोहे को पानी लगने से जंग लग जाता है, ऐसे ही इंसान के दिल को भी जंग लग जाता है। तो सहाबा बड़े होशियार थे, फौरन पूछने लगे अल्लाह के रसूल, ये तो हम समझते कि लोहे से जंग को कैसे दूर किया जाए, लेकिन जब दिल जंग आलूद बन जाता है तो दिल के जंग को दूर करने का क्या तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो काम करो, कुरान की तिलावत कसरत के साथ करो और मौत को कसरत के साथ याद करो। आज अल्लाह माफ कर ले, जब तक हमारी सेहत होती है, जवानी होती है, हम कहते हैं मौत तो बूढ़ों को आने वाली है। हालांकि आज तक हमने नहीं देखा कि मालदार तो बच गया हो और गरीब मर रहा हो, सेहतमंद बच रहा हो और बीमार मर रहा हो, फारिग इंसान मर रहा हो और मसरूफ इंसान बच रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं। मौत तो हर एक को आनी है, इसलिए जितना भी मसरूफ इंसान है, ये कुछ वक्त निकाल के मौत को याद कर लिया करे। वअन्नहु खलक़ ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, और अल्लाह अपना तारुफ करवा के फरमाते हैं उसी अल्लाह ने बना दिए जोड़े मुज़क्कर और मुअन्नस, माकूलात में भी, महसूसात में भी, ज़ाहिरी मुशाहदे के निज़ाम में मर्द औरत का निज़ाम अल्लाह ने बनाया, यहाँ तक के दरख्तों के अंदर, फलों के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस को बनाया। अच्छा, और गैर मरई चीज़ें जो नज़र नहीं आने वाली, उसमें भी अल्लाह पाक ने ऐसा किया। दिन रात ये दो मुतज़ाद चीज़ें अल्लाह ने बनाई हुई है। अल्लाह जल्ले शानहु ने सूरज और चाँद मुतज़ाद चीज़ें बना के रखी हुई है, आसमान और ज़मीन मुतज़ाद चीज़ें, हर चीज़ में अल्लाह ने जोड़े बना के रखे हुए हैं। अगर एक तरफ खुशी है तो साथ गमी है, एक तरफ सेहत है तो साथ बीमारी भी है, एक तरफ नफा है तो साथ नुकसान भी है। यही जोड़े जोड़े अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं। और आगे अल्लाह फरमाते हैं इस मुज़क्कर और मुअन्नस जो इंसानों के एतबार से ज़ाहिर में हम देखते रहते हैं, ये अल्लाह ने पैदा फरमाए। और किस चीज़ से अल्लाह ने फरमाए पैदा फरमा दिए, मिन नुतफतिन इज़ा तुम्ना, एक कतरे से जो कि टपका दिया जाता है, उसी कतरे से अल्लाह ने इस इंसान को बनाया, किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं व अन्ना अलैहि नशअतुल उखरा, ये तो सब मानते हैं कि कतरे से इंसान को बनाने वाला कौन है, अल्लाह है। तो जो अल्लाह इस कतरे से इंसान को बनाते हैं और इस पर कुदरत रखते हैं, तो इस इंसान को मौत के बाद मिट्टी में रेजा रेजा हो जाने के बाद दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं, क्यों नहीं कादिर है? वही अल्लाह से इंसान को दोबारा पैदा। इसलिए इंसान को बार बार ये बात समझाई जा रही है कि मौत मानते तो हो, काफिर भी मानता है कि मौत हक है, लेकिन मसला मौत के बाद की जिंदगी का है। अल्लाह बार बार समझा रहे हैं कि मौत के बाद तुम्हें उठाया जाएगा और तुमसे तुम्हारे दुनिया की जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा, जवानी कैसे खर्च की, माल कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, अपने इल्म पर किया, अमल किया,
तुम्हें अल्लाह जल्लेशान ने जिंदगी से नवाजा था, एक एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा। इसे अल्लाह जल्लेशान फरमाते हैं वह अन्ना अलैहि नशअतुल उखरा अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन। क्या इंसान देख नहीं पा रहा कि अल्लाह ने इंसान को एक कतरे से बनाया और ये अल्लाह के साथ झगड़ालू बनता है कि मुझे कौन दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह फरमाते जिस अल्लाह ने पहली मरतबा इंसान को बनाया है वही अल्लाह इस इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। वह अन्नहु हुवा अग्ना व अक्ना, वही अल्लाह ने अल्लाह है जिसने किसी को मालदार बनाया, किसी को मोहताज बनाया, किसी को दुनिया के अंदर खूब माल से नवाजा, फरावानी अता की हुई, घर भी आला दिया, गाड़ी भी आला दी, बच्चे भी आला दिए, कारोबार भी आला दिया, कपड़े भी आला दिए, खाने भी आला दिए, और किसी के लिए अल्लाह ने अंदाजे पे कर दिया है। जरूरत के मुताबिक कपड़े दिया, जरूरत के मुताबिक घर, जरूरत के मुताबिक खाने हैं, बस ये फरावानी और ये तंगी किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे में है। या वसतु रिस्क लिमन यशाउ व यक्दिर, अल्लाह जिसके लिए चाह लेते हैं तो रोजी खोल देते हैं और फरावानी अता फरमा लेते हैं। कोई इंसान अपनी अकल के ठोकर ना मारे। आज मेहनत इंसान के जिम्मे है लेकिन मेहनत का नतीजा अल्लाह के पास है, बस हम मेहनत के मुकल्लफ है। फिर अल्लाह ने जो अता किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा काम है कि हम जिस जो है उस पर सब्र का मुजाहरा करें। बस हम दुनिया वालों को ना दे, किसी हुजूर ने फरमाया दुनिया के दबार से अपने से कमतर लोगों को देख लिया करो। मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वालों को ना देखे, वो साइकिल वालों को देखे, साइकिल वाला उसको देखे जिसके पास साइकिल ही नहीं है। आज हमारा मामला उलट हो गया, इसे हम नाशुक्री का शिकार हो चुके हैं और जो है उसमें भी हमारे लिए किफायत नहीं हो रही है, हम सब कुछ कम महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं मेरे पास क्या, उसके पास तो इतना है। तो ये तो अल्लाह अपने कब्जे में रखे हुए हैं, जिसके लिए चाह लेते हैं वो रोजी खोल देते, जिसके चाह लेते हैं वो तंग कर देते हैं। और ये जिस्मानी एतबार से भी, अकली एतबार से भी, जहनी एतबार से किसी को तेज जहन वाला बनाता है। एक बंदा 16 साल की उम्र में उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि दूसरा बंदा 32 साल में भी उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। दुनिया वाले देख रहे होते हैं, दुनिया के मैदानों में देख, बाद लोग कितनी जल्दी एक शोहरत पा लेते हैं अपनी जिंदगी के चंद अयाम के अंदर, चंद सालों के अंदर, और बाद लोग सारी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन वो चीज नहीं पा लेते। तो किसी को अल्लाह ने सेहत के एतबार से बहुत अच्छा रखा हुआ है, किसी को सेहत के एतबार से कमजोर रखा हुआ है। तो ये सब कुछ किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। ये तकसीम अल्लाह की है और अल्लाह की तकसीम पर बंदे के लिए क्या है? राजी होना। बस हम खुशी खुशी कबूल कर ले, अल्लाह जो है बस आप ही का फजल है, मैं तो इसका भी मुस्तहिक नहीं हूं, मैं तो एक गंदे कतरे से पैदा किया गया इंसान हूं, मैं तो इसका भी मुस्तहिक नहीं, बस जो कुछ है ये आप ही का फजल है। जिस बंदे के अंदर ये मिजाज पैदा होगा वो तरक्की करेगा। वह अन्नहु हुवा रब्बु शेरा, ये एक सितारा है शेरा, यमन की जानिब ये नजर आता था। आम तौर पर लोगों के जहन में ये बात पड़ी हुई थी कि यही इलाह है और इसकी इबादत लोग करते रहते थे, इसको इलाह का दर्जा देके इबादत करते रहते हैं। अल्लाह समझाते हैं जिस शेरा सितारे की तुम इबादत करते हो वो खुद उसका परवरदिगार अल्लाह ही है, तुम कैसे उसकी इबादत करते रहते हो? वो तो अल्लाह के हुक्म से तुलू होता है, वो तो अल्लाह के हुक्म से गुरूब हो जाता है। और ये वो शेरा सितारा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ननिहाल में से अबू कबशा नामी शख्स लोगों को इसका तआरुफ करवा चुका। इसलिए हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला जब कैसरी रूम के पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसने बयान तलब किया, इसने बयान दे दिया, अभी इस्लाम कबूल नहीं कर चुके थे, तकरीबन 20 साल इस्लाम की मुखालफत की हुई थी। फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह पाक ने इसको हिदायत नसीब फरमाई थी और इसकी बेटी है हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला जो अजवाज मुतहरात में से उससे पहले ईमान कबूल कर दिया, नाराज के बाद में अल्लाह पाक ने दिल बदल दिया। तो उस वक्त हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला की जबान से बात निकली थी, जब कैसरी रूम ने अबू सुफियान की बातें सुन ली तो कहने लगा कि कद अमीरा, कि यकीनन बहुत खौफ महसूस कर चुका और बहुत भारी बात महसूस कर चुका,
अम्र इब्न अबी कबशा, अबू कबशा के फर्जन की बात को, इस मामले को ये बहुत भारी समझ चुका, ये भी लर्ज चुका और ये भी खौफ महसूस कर चुका, यानी एक वक्त आने वाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर छा जाएंगे और गालिब हो जाएंगे। बहरहाल ये शेरा एक तारे का नाम, तो अल्लाह फरमाते हैं कि शेरा का जो रब है वो भी तो अल्लाह ही है। वह अन्नहु अहलक आदिल उला, अल्लाह साथ डराता भी है जिन लोगों ने वक्त के पैगंबर की बात नहीं मानी, अल्लाह की बात को जुटला चुके, अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद किया, जिसमें कौम आद है पहले अल्लाह ने उनको हलाक किया। वह समूद फमा अबका, कौम समूद को अल्लाह जल्ल शान ने तबाह व बर्बाद कर दिया, फमा अबका उसमें से कोई नहीं रहा। वह कौम नूह मिन कब्ल, और उनसे पहले कौम नूह को भी अल्लाह ने तबाह किया था। इन्नहुम कानूहुम अज़लमा व अतगा, यकीनन वो सारे लोग जालिम थे और सरकश किस्म के लोग थे। वल मुतफिकत अहवा, और उल्टी बस्ती को अल्लाह ने पटख डाला। कौम लूत मुराद है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह जल्ल शानहु ने उठा के जमीन पे मार दिया था, और अल्लाह ने ऊपर से बारिश बरसा दी थी पत्थरों की, और इतने पत्थर अल्लाह ने बरसा दिए। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये कौम लूत 4 लाख की आबादी थी, और आनन फानन अल्लाह ने सबको तबाह बर्बाद कर दिया था। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं फगशाहा मा गशा, बस डांप लिया उसको उस चीज ने जो जिसने उनको डांप लिया। फबी अय्य आला रब्बिका ततमारा, बस तुम अपने रब की किस नेमत की, कौन कौन सी नेमत के बारे में तुम शक करते रहोगे। ये रब की नेमत है कि दुनिया के अंदर अल्लाह पैगंबर भेज देते हैं, इस पैगंबर के बारे में शक में क्यों मुब्तला हो। ये पैगंबर जो आपको बता रहे कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी होगी और तुमसे हिसाब लिया, क्यों इसमें शक करते रहते हो। जिन लोगों ने आखिरत को जुटलाया अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद करके तुम्हारे लिए सबक और इबरत के तौर पर उनकी निशानियां छोड़ दी थी। हादा नदीर मिनन नज़र अल-उला, ये भी एक डराने वाला है पहले डराने वालों में से, यानी ये कोई अनोखी बात नहीं है कि आप में से पैगंबर की बेइज्जत की गई है, तुम्हारी तरफ अल्लाह ने पैगंबर भेज दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दुनिया के अंदर अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हुए हैं, और अल्लाह जल्ल शानहु ने अम्बिया अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी लगा रखी थी अपनी कौमों को बात समझाते थे, तो ये पैगंबर भी पिछले अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरह डराने वाला है जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है। और याद रखो अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, करीब आने वाली करीब आ चुकी है, मतलब क्या, क़यामत कायम होने वाली है, क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी बेइज्जत भी क़यामत की निशानी है, मेरी और क़यामत के कायम होने में इतना फर्क है जितना कि इन दो उंगलियों के दरमियान ये फर्क नजर आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत भी क़यामत की, तो यहाँ अल्लाह अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लोगों के लिए उनका हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और लोग गफलत में पड़े हुए हैं, पता ही नहीं है। इसे क़यामत की होलनाकी अल्लाह पाक बयान फरमा चुके, इसे क़यामत के वाक़या होने का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, उसको खोलने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, अल्लाह के सिवा उसके लिए खोलने वाला कोई नहीं, यानी उससे पर्दा उठा के लाने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, उसका इल्म अल्लाह के पास है कब क़यामत कायम होगी। लेकिन क़यामत कायम होने के लिए जो निशानियां है वो निशानियां अल्लाह ने बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से। इसी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निशानियां बयान कर चुके वो निशानियां आज दुनिया के अंदर सच्ची साबित हो रही है। जैसे दज्जाल का ये बड़ी बड़ी निशानियां आना और उसका निकलना, वो बाबिल लुत से भागने की कोशिश करेगा जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुत पे उसको पकड़ेंगे, और वहां पर आज एयरपोर्ट बना चुके लोग इसराइल वाले, आज भी उनको पता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब आने वाले हालात जब बयान फरमा चुके तो दज्जाल का तज़किरा किया, और फिर उस जमाने के अंदर इन यहूदियों को तबाह बर्बाद किया जाएगा, यहाँ तक कि जिस पत्थर के पीछे यहूदी होगा, जिस दरख्त के पीछे यहूदी होगा, तो हर दरख्त और पत्थर आवाज लगाए ए अल्लाह के बंदे या अब्दुल्लाह ताल आ जाओ मेरे पीछे यहूदी छुपा इसको मारो, सिवाय एक दरख्त है इल्ल गरकत, दुनिया के अंदर एक दरख्त है जो यहूदियों को पनाह दे
और उनके बारे में बताया नहीं। और आज पूरी यहूदी लाबी इस बात पर कोशिश कर रही है कि दुनिया के अंदर उस दरख्त को आम किया जाए। बरकत नाम है उस दरख्त का, अब हवा के हवाले से, प्लांटेशन के हवा के नाम से, माहौली आलूदगी के हवाले से, ये जो दुनिया के अंदर आवाज लगाई जा रही है, ऐसे नहीं लगाई जा रही है। उनको यकीन है इन तमाम बातों पे। अब ये सारी चीजें दुनिया के अंदर सच्ची साबित हो रही है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क्यामत कायम होगी उससे पहले पहले के हालात का तस्करा फरमाया कि जो दुनिया के अंदर बकरियां चराने वाले होंगे, ये मार्केटी और प्लाजे बना के और बड़े बड़े बिल्डिंग बना के उस पर फख्र करने वाले बन जाएंगे, और औरतें बावजूद कपड़े पहनने के यूं नजर है गोया कि नंगी है, और बच्चियां अपनी माओ की इस तरह नाफरमान बन जाएगी गोया कि बच्ची ने मां को जना हुआ है, बेटे अपने वालिद की बजाय दोस्त और यार को तरजीह देने वाले बन जाएंगे, लोग जकात को तावान समझेंगे, इज्तिमाई माल को जाती माल समझकर हड़प करने में लग जाएंगे, जमाने का कमीना इंसान वो माशरे का सरदार बन जाएगा, किसी बंदे के शर से बचने के लिए लोग उसको सलूट करेंगे, सलाम करेंगे ताकि मैं इसके शर से महफूज हो जाऊं। आज दुनिया के अंदर बंदा देखें ये सारे हालात कैसे चल रहे हैं। बहरहाल तो अल्लाह फरमाते करीब आने वाली करीब आ गई है क्यामत, और अल्लाह के सिवा उसको खोलने वाला कोई नहीं है। अफमिन हादिल हदीस ताजबून, क्या तुम इन बातों से ताजुब में पढ़ते हो, हैरत का मुजाहरा करते हो, वतज़हकून वला तबकून, और तुम हंसते रहते हो और तुम रोते नहीं हो, तुम्हारी हंसी मजाक खत्म नहीं हो रही है, वान तुम सामिदून, और तुम खेल कूद में लगे हुए हो। आज भी दुनिया के अंदर बंदा देखे किसी के पास आखिरत के लिए कोई बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, इतना मसरूफ है इंसान। हालांकि महाफिर मजालिस लगे रहते हैं, हंसियां खुशियां उसमें चलती रहती हैं, दीन की बात करो, कुरान की बात करो, आखिरत की बात करो, जन्नत की बात करो, जहन्नम की बात करो, लोग उसको वैसे फजूल पर मफरूदे समझते रहते हैं, अल्लाह माफ करे, किसी के जहन में बात तक नहीं आ रही होती है। हालांकि अपने घरों से जनाजे उठाकर कब्रिस्तान में लेकर जाकर दफनाते रहते हैं, और दो चार दिन गुजरने के बाद सारी बात खत्म हो जाती है। अल्लाह फरमाते तुम खेल कूद में लगे हो, जिनको इन बातों पर यकीन है फसजुदू लिल्लाह, तुम सजदा करो अल्लाह के सामने, वअबुदु और उसकी इबादत करो। ये कुरान की वो सूरत है कि सबसे पहले जो सजदे की आयत नाजिल हो गई वो ये आयत थी। यहाँ तो तरतीब के एतबार से ये जो सजदा है ये 12 नंबर पर है कुरान की तरतीब के मुताबिक, लेकिन नाजिल होने के एतबार से ये पहली आयत सजदा है। इसलिए जब इस आयत को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर चुके, कुछ ईमान वाले बैठे हुए थे, कुछ काफिर भी बैठे हुए थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में चले गए, सजदा कर चुके, तो सारे लोग हुजूर पाक उनके साथ सजदा कर चुके थे सिवाय एक बंदा के, उमय बिन खल्फ, ये बंदा सजदा नहीं कर चुका, और इसने मट्टी उठा के अपनी पेशानी के साथ लगा कि मेरे लिए ये काफी है, सजदा नहीं कर चुका। और यही बंदा फिर बदर के मौका पे मारा गया था सख्त जलील बना के। बहरहाल इसलिए ये जो मोबाइल में बंदा तिलावत सुनता है या कोई दर्स सुनता है और उसमें सजदे आयत आ जाए, तो इनके लिए तो, सुनने वालों के लिए इनके लिए तो सजदा नहीं है। एक बराए रात जो बैठे हुए होते हैं सजदा सुन लेते हैं, आयत सुन लेते हैं, तो फिर इन पर सजदा लाजिम है इसकी दुआ के बाद के सजदा कर ले, एक सजदे तिलावत। وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, और अल्लाह ही वो ज़ात है जो हंसाता है और रुलाता है, وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, और वही मौत तारी करता है और वही जिंदगी देता है, وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, और वही ज़ात है जिसने जोड़े बना दिए मुजक्कर और मुअन्नस, مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى, एक कतरे से जब वो टपका दिया जाता है, وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, और यकीनन उसी के जिम्मे दोबारा पैदा करना है, وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, और यकीनन उसी ने मालदार बनाया और मोहताज बनाया, وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, और यकीनन वही ذات शेरा का रब और परवरदिगार है, وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى,
और यकीनन उसने हलाक किया आद उला को व समूद फमा अबका, और कौम समूद को पस कोई नहीं बचा, कोई बाकी नहीं रहा या उसने किसी को बाकी नहीं रखा। व कौम नूह मिन क़ब्ल, और कौम नूह को उनसे पहले हलाक किया, तबाह बर्बाद किया। इन्नहुम कानूहुम अज़लम व अतगा, यकीनन थे वो लोग ज़ालिम और सरकश। वल मुतफिकत अहवा, और उल्टी बस्ती को पटक डाला। फगशा मा गशा, बस डांप लिया उसको उस चीज ने जिसने उसको डांप लिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत के बारे में शक करोगे। हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल औला, ये भी पहले डराने वालों में से एक डराने वाला है। अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, करीब आने वाली करीब आ चुकी है, यानी क़ियामत। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, नहीं है उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई खोलने वाला। अफ़मिन हाज़ल हदीस तअज्जबून, क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो, हैरत का मुजाहरा करते हो। वतज़हकून वला तबकून, और तुम हंसते हो और रोते नहीं हो। وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, और तुम खेलते हो। فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, बस अल्लाह के सामने सजदा करो और उसकी इबादत करो। सदक अल्लाहु।